स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पितृपक्ष या मृतकों को खाना खिलाना भारत में एक सदियों पुरानी प्रथा है, जिसका जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर एक पूर्व निर्धारित कर्म चक्र के अनुसार व्यवहार करते हैं, जिसकी किसी भी पहलू से सफलता होने के लिए हम अपने पूर्वजों मातृत्व और पितृत्व दोनों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इस साल 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। आइए जानते हैं 16 दिनों में इस अवधि से प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, मन अशांत रहेगा, क्रोध के अतिरिक्त से बचे। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी, परिश्रम अधिक रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दे। वृश्चिक राशि, मन में निराशा रहेगी, किसी के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि, मन परेशान रहेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार में विस्तार के लिए पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कर्क राशि, मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास करें, लेखनादि बौद्धिक कार्य में व्यवस्था बढ़ेगी, आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि, लेखनादि बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी, कार्यों में परिवर्तन हो सकता है, किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है, मन अशांत रहेगा। कन्या राशि, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, शैक्षिक और शोधादि कार्य में सफलता मिलेगी, शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश भी जा सकते हैं, खर्च की अधिकता रहेगी। तुला राशि, धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। वृश्चिक राशि, संतान सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता का साथ मिलेगा, रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। धनु राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, मन परेशान रहेगा, अपना व परिवार के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रहन सहन कष्टमय होगा। मकर राशि, मन शांत रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कुंभ राशि, आत्मविश्वास में कमी तो रहेगी, परंतु मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है, किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। मीन राशि, नकारात्मक विचारों से बचे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, व्यर्थ के वाद विवाद और क्रोध से बचे, नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। हमारी सनातन संस्कृति को हर घर में पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और हमें कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।